यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। भाई गुड़िया रेप मामले में सोमवार को सीजीएम की कोर्ट ने एसआईटी टीम की सुनवाई हुई। एसआईटी टीम के डीएसपी मनोज जोशी सोमवार को बीमारी के कारण कोर्ट में नहीं पहुंचे। एसआईटी टीम का कहना है कि मोबाइल कंपनी ने के नोडल अधिकारी ने उन्हें सीडीआर की रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। नोडल अधिकारी ने रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट में देने की बात कही है। इस पर सीजीएम ने मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी को भी कोर्ट में बुलाने के आदेश दिए। अब मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। तो बीमारी के चलते डीएसपी मनोज जोशी तो आज नहीं पहुंचे कोर्ट में, लेकिन 17 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कॉल डिटेल जो है वो नहीं दी गई थी, जिसको लेकर यहां पर अब आपको बता दें कि नोडल अधिकारी को जो है बुलाया गया है और साथ ही इस मामले में आरोपियों की कॉल डिटेल देने से टेलीकॉम कंपनी ने मना कर दिया था, जिसके चलते ये मामला कोर्ट पहुंचा और साथ ही सीजीएम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि सीजीएम कोर्ट ने सेलुलर कंपनी के अधिकारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। 17 मई को इस मामले की अब अगली सुनवाई होगी। गुड़िया रेप केस मामला है, इस मामले में आरोपियों की कॉल डिटेल जो है वो सीबीआई की ओर से मांगी गई थी, लेकिन सेलुलर कंपनी की ओर से कॉल डिटेल देने से इनकार किया गया और कोर्ट में ही कॉल डिटेल देने की बात कही गई, जिसको लेकर अब सीजीएम कोर्ट ने सेलुलर कंपनी के अधिकारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। 17 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे उमेश शर्मा, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, आज क्या कुछ रहा सुनवाई के दौरान? देखिए, आज मामले की सुनवाई लगी थी और सुनवाई फिलहाल एक बार दोबारा 17 मई के लिए टली है। जो सीडीआर रिपोर्ट जो अभियुक्तों ने जो आरोपियों ने मांगी थी, उनको सीडीआर रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। हालांकि पिछली बार जब जज ने जज साहब ने कहा था कि इस मामले में जो सीडीआर रिपोर्ट है जो एसआईटी के जो आरोपी हैं उनको दी जाए, उनकी उनकी मांग कोर्ट से यही थी कि उनके खिलाफ जो आरोप है वो उनकी जो डिटेल है उनको दी जाए, तो कोर्ट ने यह ताकीद जरूर की थी, लेकिन जो नोडल ऑफिसर थे उन्होंने रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया और फिलहाल इसी के चलते जब तक ये रिपोर्ट नहीं दी जाती है तब तक मामले की सुनाई नहीं होगी। तो उस तरह से ये मामला फिलहाल अभी टल गया है और 17 मई को ये सुनाई होनी। 17 मई के लिए हालांकि कोर्ट ने फिर दोबारा ताकीद की है कि नोडल ऑफिसर है कोर्ट में उपस्थित हो, क्यों ये सीडीआर रिपोर्ट उन्होंने ही सौंपी गई है, इस पर उनसे जवाब तल भी होगी। अभी फिलहाल मामला 17 मई के लिए टल गया है। जी उमेश, कौन सी सेलुलर कंपनी है जिसका नाम ये सामने आ रहा है जिसने कॉल डिटेल देने से इनकार किया? अवंतिका देखिए, 3 सेलुलर कंपनी है जिनको ताकीद की गई थी कि इन्होंने सीडीआर रिपोर्ट अभियुक्तों को देनी है, तो फिलहाल अभी इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी और इनको कोर्ट एक बार 17 तारीख को कोर्ट में नोडल ऑफिसर को जो सेलुलर कंपनी के नोडल ऑफिसर उनको तलब किया है और उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि किन वजहों की चलते इन्होंने ये रिपोर्ट उनको नहीं सौंपी है। चलिए बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो 17 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। गुड़िया रेप के इस मामले में कॉल डिटेल देने से इनकार किया गया था सेलुलर कंपनी की ओर से, जिसके बाद में अब सेलुलर कंपनी के अधिकारी को कोर्ट में तलब किया गया है।